फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन का टाइमिंग चल रहा है। इस क्रिटिकल कंडीशन में खुद को और फैमिली को सेफ रखने के लिए प्लीज़ फ्रेंड्स घर पर ही रहें, प्लीज़ स्टे होम। बट काफ़ी लोग इस लॉकडाउन में अपने घर पर बहुत बोर हो रहे हैं। घर से निकल तो सकते नहीं हैं, कहीं जा भी नहीं सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो लॉकडाउन का टाइम है, हम उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, घर पर ही इंजॉय कर सकते हैं। मैं कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ आइडियाज शेयर करूँगी जिसको फॉलो करके आप घर पर ही फुल ऑन इंजॉय कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक रूटीन बना लीजिए जल्दी उठने की। ज़्यादातर लोग लॉकडाउन में लेट से उठते हैं। वो बोलते हैं सारा दिन करना क्या है, लेट से उठते हैं। इससे उनमें पूरे दिन लेजीनेस फील होती है। फ्रेंड्स, एक अलार्म सेट कर लीजिए अर्ली मॉर्निंग का। उठकर योगा मेडिटेशन कीजिए, वार्म वाटर लीजिए। इस पेंडेमिक में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की नीड है। लॉकडाउन की वजह से लोगों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, इसलिए डेली योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। आज के टाइम में हर वे पर्सन अपनी डेली की रूटीन लाइफ में इतना बिजी हो गया है जिससे वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है। ये लॉकडाउन का टाइम एक गोल्डन चांस है अपने घर के बुजुर्गों व बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, कुछ यादगार यादें बनाने का, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। आइडियाज़ हैं जिसे फॉलो करके आप बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक मूवीज़ बहुत अच्छा सा एक आइडिया है। मैं रिकमेंड करूँगी कि फैमिली के साथ आप बैठकर मूवीज़ देखें, चाहे कॉमेडी हो या ड्रामा, जो भी आप पसंद करते हो। साथ में बैठकर पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय कीजिए, लाइक थिएटर जैसा ही माहौल एंजॉय कर सकते हैं घर पर ही। इससे फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग भी और अच्छी होगी। और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का। हर किसी के घर में मैरिज वीडियो कैसेट्स या बर्थडे वीडियोज़ की कैसेट्स रहती हैं, वीडियोज़ रहते हैं। उन्हें देखकर हम अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। साथ ही बच्चों को अपने टाइम के कल्चर, रिचुअल्स, रिलेटिव से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। पुरानी यादों को ताज़ा करने का मज़ा ही कुछ और होता है, एक साथ बैठ के उनको देखना। देन गेम्स भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया है। फैमिली के साथ गेम्स खेलने से एक अच्छा माहौल सा बन जाता है। आज की बिजी लाइफ में लोग छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना भूल सा गए, पर हम घर पर ही इंडोर गेम्स में हम फुल इंजॉय कर सकते हैं, लाइक बोर्ड, कैरम बोर्ड, लूडो, कार्ड्स, रोल प्लेइंग गेम्स। आपको याद है पहले लोग राजा, चोर, मंत्री, सिपाही खेलते थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। इससे खेलने से बहुत लोग इंजॉय कर सकते हैं। इससे फैमिली के बीच अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है और बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती है। लॉकडाउन की वजह से बच्चों के स्कूल तो बंद है, बट उनकी ऑनलाइन स्टडी तो चल रही है। ये लॉकडाउन का टाइम है, अच्छा टाइम है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, उन पर फोकस करने का। वैसे रोज़ की बिजी लाइफ में हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, अभी हम बच्चों पर पूरा फोकस कर सकते हैं, उनकी न्यू स्किल डेवलप कर सकते हैं, जो भी उनकी वीक पॉइंट है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बच्चों के साथ टाइम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उनके साथ हम कुछ माइंड गेम्स, उनकी इंटेलिजेंट पावर को चेक करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग गेम खेल सकते हैं, लाइक जैम्बो बनाना ग्राम्स। इसमें फाइंड मैचिंग लेटर्स, स्पेल हर नेम, पुट लेटर्स इन ऑर्डर इन ABC अल्फ़ाबेट्स एंड रेकॉन रैम्पर्स। इसमें हम उन्हें कलर आइडेंटिफाई करने, मैचिंग करने, काउंटिंग करने दे सकते हैं। वैसे आजकल के टाइम में एक ब्रिलियंट आइडिया और है, बच्चों को फायरलेस कुकिंग में आजकल बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। उनके साथ मिलकर यमी डिलीशियस कुछ डिशेज बनाइए, इससे उनमें कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है, ये हमने ये बनाया है। इससे आप खुद भी उनके साथ बैठकर खाइए, इससे अच्छा टाइम स्पेंड करने का एक अच्छा आइडिया है। ये लॉकडाउन का टाइम ही वह टाइम है जब हम बच्चों को आध्यात्मिक नॉलेज दे सकते हैं, अपने संस्कृति और संस्कारों से जोड़ सकते हैं। आजकल के बच्चों को गीता, रामायण, वेदों की कोई नॉलेज नहीं है। हम
टाइम है हम उनको इन सब से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. देन गार्डनिंग एंड द वाटरिंग द प्लांट्स, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है. प्लांट्स को पानी देना, उनकी केयर करना, प्लांटेशन करना, इससे हम नेचर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. प्लांट्स ब्रिंग नेचुरल ब्यूटी, ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं और फ्रेश एयर रिड्यूस करते हैं जो हम एब्जॉर्ब करते हैं. आजकल होम गार्डनिंग के बहुत सारे न्यू आइडियाज़ हैं, उन्हें अप्लाई कीजिए. यकीन कीजिए इससे बहुत अच्छी फीलिंग आती है. बच्चों को भी प्लांट से कनेक्ट कीजिए. जब वो देखेंगे हमने जो छोटा सा प्लांट लगाया था उसे पानी देने केयर करने से वह धीरे धीरे बढ़ रहा है, इससे बच्चों में पॉजिटिव एनर्जी आती है. सो फ्रेंड्स, मैंने जो ये आइडिया शेयर किए हैं उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए और इस लॉकडाउन को इन्जॉय कीजिए. खूब सारी मेमोरीज कलेक्ट कीजिए, पर घर पर रहिए. अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ. थैंक यू.